रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह आज बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। अपने संबोधन के दौरान चौधरी अजीत सिंह ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए हाय हाय मोदी बाय बाय मोदी का नारा भी लगाया। अजीत सिंह ने कहा कि 4 साल की मोदी सरकार ने देश को कोसों पीछे कर दिया। अजीत सिंह की जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां समर्थकों ने भी अपने भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। हल्द्वार से मनोज आयरन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल ही अकेली पार्टी है जो किसानों की मजदूरों की मेहनत करके दिखा दिया। जितना भी 26 लाख करोड़ तो आखिर में सभी समय उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सफाया 2019 राष्ट्रीय लोकदल। देखिए, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। जो हुआ, जो हो चुका, जो आपका इतिहास है, आपको रहना। आप नए शहर बनाओ, नए रेलवे जंक्शन बनाओ, कौन मना कर रहा है चॉइस सर? क्योंकि क्या कहे, आखिर क्या कहे कि हमने क्या किया, नाम बदल दिया। चॉइस सर, बादशाह को भगाने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? ये जनता तय करती है पूजा के। आपके पास क्या रणनीति? उसको हराने के लिए देखिए, सब जनता चाहती है कि विपक्षी दल इकट्ठे हो जाए और भाजपा को हराने का काम। गठबंधन में लोकदल का अहम किरदार, ये समय आने पर तय होगा, अभी जल्दी उसकी चिंता मत करो। असली बात ये है कि जो विपक्षी दल हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने आपस में गठबंधन बना लिया। साहब, आने वाले लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे? सभी लोग लड़ेंगे।